टूडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन हमारी टू फर्स्ट टू एक्सरसाइज पेंडिंग थी ना और चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेश इन टू वेरिएबल फोर क्लास टेन फोर सी from NCERT. सीख गई अब सर ये ही बोलेंगे फर्स्ट अफताब टेल्स हर डॉज डॉटर आफ्ताब ने अपनी डॉटर को क्या बोला सेवन ईयर एगो

x years let percentage of his daughter y years first condition kya ban di hai acha chikki to 7 years ago i was seven times as old as you were then acha seven, तो, uh, seven, seven times it's

ठीक है तो ये होगा x प्लस थ्री दूसरी साइड x सॉरी माइनस वेरी गुड थ्री टाइम्स है ना हुँ. तो एक्स प्लस थ्री किसके इक्वल थ्री वाई प्लस नाइन की तो एक्स माइनस थ्री वाई किसकेक्वल आ गया नाइन माइनस थ्री सिक्स हो जाएगा ना जी अलजेब्रिकली हो गया अब इसको ग्राफिकली भी करना है ग्राफिकली के लिए जैसे हमने 9th में किया था सेम टू सेम मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन उठाई यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी क्वेश्चन अच्छा x के लिए 56 7y यही किया था ना 9th में हाँ, वही अब करना है फिर अच्छा वो काम? तीन ऑफ हाँ तीन वैल्यूज याद है मेरे बच्चे को अब y की वैल्यू ऐसी फिल करो कि ज्यादा बड़ी वैल्यू भी ना आए ज्यादा छोटी भी ना आए मैं क्या करूं तू तू उसे बड़े कर दो थोड़ा सा माइनस uh, सेवन कर देता हूं माइनस क्यों कर रहा हूँ अगर मैं प्लस की फिल करूंगा तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ना फिफ्टी सिक्स तो ऑलरेडी रहा no. है माइनस सेवन किया फिफ्टी सिक्स माइनस फोर्टी क्या आ आ जाएगा जाएगा सेवन माइनस एट कर लो फिफ्टी माइनस फिफ्टी सिक्स प्लस फिफ्टी सिक्स जीरो आ जाएगा माइनस no. नाइन कर लो माइनस फिफ्टी सिक्स माइनस सेवन आ जाएगा ठीक है ऐसी बेटा दूसरी इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सिक्स प्लस थ्री वाई हो जाएगा ना टू तीन मिनिमम वैल्यूज माइनस टू फिल कर लो जीरो आ जाएगा माइनस वन फिल कर लो थ्री आ जाएगा जीरो आ जाएगा ठीक है तो अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए देखो वैल्यूज पहले तो ये देखो कहां तक है मैक्सिमम वैल्यू माइनस नाइन तक है ना हम्म तो वो भी वाई पे हम क्या करेंगे ग्राफ पेपर पे बिल्कुल मिड में पेंसिल से पेंसिल पूरी शार्प होनी चाहिए लाइन के बिल्कुल ऊपर लाइन चल रहा है इस साइड भी थोड़ा और ऊपर प्रोड्यूस कर दो क्योंकि ग्राफ पेपर हमने बचाना नहीं ऊपर तक ऐसे ही नीचे तक ठीक है लाइन डार्क लाइन के बिल्कुल ऊपर और डबलिंग नहीं करनी डबलिंग ये गलत हो गया यहाँ लाइन से उतर गई ना नीचे ऐसे नहीं होना चाहिए मेरे पास अभी रेजर नहीं है तो लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए उसको रब करके फिर से ड्रॉ करना है अब यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे बच्चे ना साइड पे बनाना बहुत मुश्किल रहता है सामने तो बन जाता है लाइन के ऊपर इस साइड एरो इस एरो के बहुत मार्क्स हैं अगर एरो ना लगाया ना तो मार्क्स कट जाएंगे ऊपर एरो नीचे एरो लास्ट ईयर भी तेरे को बताया था यहाँ पे यहाँ पे कट लगा के बचे एक्स यहाँ पे कट लगा के एक्स डैश यहां ऊपर कट लगा के वाई और नीचे वाई डैश यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे क्या लिखेंगे ओरिजिन ओ इस साइड वन टू थ्री फोर फाइव वन एट बहुत है नाइन भी लिखना है लिख दो इन साइड माइनस ओ हो माइनस वन माइनस टू ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूं माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स नीचे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स हमारे पास माइनस नाइन तक था ना वाई तो मुझे माइनस नाइन तक तो एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा उससे एक दो पॉइंट ज्यादा ही ले लो ठीक है ऊपर मैं एक ही ग्राफ बना के दिखाऊंगा बाकी तूने अपने आप बनाने होंगे ओके सर क्योंकि सेम ही है जैसे नाइन्थ में किया था बस वहां एक ग्राफ होता था यहाँ दो ग्राफ इकट्ठे बनाने अब पहला पॉइंट सेवन माइनस सेवन पहले इसको इसका ग्राफ बनाएंगे दूसरा बाद में बनाएंगे ऐसे ना दोनों को मिक्स मत कर देना पहले इसको ड्रॉ करो सेवन माइनस सेवन सेवन माइनस सेवन ये पॉइंट आ गया ऐसे सर्कल कर साथ में लिख दो चाहे सेवन माइनस सेवन ऐसे दूसरा पॉइंट जीरो माइनस एट जीरो माइनस एट ये आ गया शन कर दिया तीसरा माइनस सेवन माइनस नाइन माइनस सेवन यार माइनस सेवन नहीं आया चल माइनस सेवन माइनस नाइन स्केल रखो इस पे कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं आ रहे हैं तो हम बिल्कुल सही है गलत नहीं है एक काम और करना है सिर्फ यहां तक ज्वाइन नहीं करना इसको आगे प्रोड्यूस कर देना है जितना जा सकता है इसको इस साइड प्रोड्यूस कर देना है ठीक है मोटी ओके सर और जहां पे तेरे को खाली सी स्पेस मिलती है ये देखो इतनी खाली पड़ी है ना हाँ. वहां पे ये वाला इक्वेशन लिख दो एक्स माइनस सेवन वाई इजिकल टू फिफ्टी सिक्स लिख दिया ये इसका ग्राफ बन गया ऐसे दूसरे का जीरो पे माइनस टू जीरो पे माइनस टू ये रहा दूसरा थ्री पे माइनस वन थ्री पे माइनस वन ये रहा तीसरा सिक्स पे जीरो ये पॉइंट आ जाएगा तीनों को एक लाइन में रख के Yeah. थोड़ा और आगे प्रोड्यूस कर दो इस साइड भी थोड़ा और आगे प्रोड्यूस कर दो इस पे भी एरोस बच्चे एरोस अच्छा, मत भूल जाना ओके सर और सर ऐसे लाइन प्रोड्यूस करने के ही मार्क्स है हाँ जी स, आ, सर मैं कह रही लाइन प्रोड्यूस करने के ही मार्क्स है क्या हां जी हाँ जी बगाड़नी ही पड़ेगी वो ओके सर यहां एक खाली स्पेस मिलती है वहां पे ये दूसरी इक्वेशन लिख देना ये लिख दो चाहे ये लिख दो x माइनस थ्री सिक्स लिख दो लिख दिया ये दोनों का ग्राफ बन गया एक ही ग्राफ पेपर पे नाइन्थ में भी यही था वहां पे सिंगल ड्रॉ करते थे अब दोनों इकट्ठे ड्रॉ करने हैं और यहां पे क्या आ जाएगा जाएगा अब दोनों एक्सेस पे लिया है अलोंग एक्स एक्सेस वन सेंटीमीटर इज इकल टू वन ईयर सॉरी क्योंकि एज वाला था ना एजिस थी वो तो ईयर लिखना यूनिट मत लिखना अलोंग वाई एक्सेस आल्सो वन सेंटीमीटर इज इकल टू वन यूनिट हो गया अल्जैब्रिकली ये क्वेश्चन आ गई थी ये और ये और ग्राफिकली ये हो गया ओके सर और सर आपने वो वाय oh. वाले के अंदर वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन यूनिट लिखा है तो ईयर होना चाहिए ना सॉरी यार कल तो हो जाता है नहीं सर मैं तो समझ गए बच्चे ये ग्राफ बन गया दोनों का अब मैं ग्राफ कोई नहीं ड्रॉ करूंगा तो अपने आप करेंगे मैं सिर्फ तेरे को सम सॉल्व करवाऊंगा

इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर है। जितना स्मॉलर कर सकते हैं। अगर था बैट एंड थ्री मोर बॉल्स अनदर बैट ओके वन बैट होगा एंड थ्री मोर बॉल्स टू वन थ्री जीरो जीरो अल्जेब्रिकली हो गया ग्राफिकली अपने आप करोगे थर्ड सम अगेन सेम The cost of two kg apples and one kg grapes on a day. तो एप्पल को एक्स ले लेते हैं या ग्रेप को वाई लेते हैं। वो यहाँ पे और... that cost of one kg of apple रुपी एक्स। cost of one kg of grapes है ग्रेप्स हाई नहीं खाती रोज खाती हाँ तो वही टू टू एक्स प्लस इक्वल टू वन सिक्सटी से मतलब फोर एक्स प्लस 2y इजीकुल तू 300. अब यहाँ से देखो 2 एक लेके इसे कट हो रहा है ना काट दो मतलब जितना हम इस इसको इजी करेंगे वही सही होगा हुँ. 2x प्लस y इजीकुल तू 150 आ जाएगा अल्जेब्रिकली हो गया ग्राफिकली अपने आप करोगे 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट अब सेकंड एक्सरसाइज करने से पहले बच्चे मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवाता हूं यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन अगर ग्राफिकली में देखना हो तो यूनिक सोल्यूशन क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी क्योंकि यूनिक का मतलब सिंगल ना सिंगल ना तो ये ग्राफ है जैसे एक ये बन गया दूसरा ये बन गया इन दोनों लाइंस में ये एक्सिस और ये वाई एक्सिस थी इन दोनों लाइंस में कितने पॉइंट कॉमन है सिंगल पॉइंट कॉमन है ना दैट्स हाँ. जो यूनिक सोल्यूशन जिनका सोल्यूशन यूनिक होगा वहां पे ग्राफ किस टाइप का बनेगा इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा इनफाइनेट का मतलब बहुत ज्यादा तो इसमें क्या होगी कॉइंसिडेंट लाइंस होंगी कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर लाइन मान लो एक की लाइन ये गई तो हाँ. दूसरी की लाइन भी इसी के ऊपर आएगी नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए जैसे यूनिक में सिंगल पॉइंट कॉमन था इसमें सारे पॉइंट कॉमन है और नो no सॉल्यूशन में ग्राफ किस टाइप का होगा पैरल लाइंस होगा ठीक है ऑल्सो जो यूनिक सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है लगातार ऐसे बने रहना मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं कहा मैंने कंसिस्टेंट कहा है मतलब consistent. उसका कोई ना कोई सोल्यूशन है कंसिस्ट करता है वो इनफाइनेट <coughs> में भी तो सोल्यूशन है क्योंकि सारे के सारे सोल्यूशन है कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट डिपेंड करता है किस पे एक्स की वैल्यू वाई पे डिपेंड करती है y की X पे, पे उसमें नहीं होता उसमें तो एक ही सोल्यूशन है ना no नो सोल्यूशन में जब आ गया तो उसका कोई लाइन नहीं करता इसलिए वो inconsistent है. ये है, है, है ये तीन चीजें याद रखनी अगर यूनिक है है द सेम थिंग इनफाइनाइट कॉन्सिडेंट लाइंस कंसिस्टेंट भी लिख देते हैं और साथ में ये भी क्यूआर लिख देते हैं अगर अकेला कंसिस्टेंट लिखा है तो दोनों चीजें हैं बट कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट लिखा है तो अकेला इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट समझ गए अब मैं ना यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ही भूल गया सृष्टि बुड्ढा होता जा रहा हूं मैं सॉरी

उन्होंने पूछ लिया कि चेक करो कि सोल्यूशन मतलब इनके जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा कि नहीं होगा तो हम यही चीज चेक करके ये बता देंगे यही चीज चेक करके बता देंगे इंसिडेंट है कि नहीं, नहीं, नहीं करती ये चीज चेक करके बता देंगे वो लाइन पैरल है कि नहीं okay. हो गया अब तो कुछ भी नहीं रहा इस एक्सरसाइज में mm. पहला सम

Number of boys x let number of girls y first condition mm -hmm. uh, if the number of girls is four more than the number of boys okay nice um number of girls what's y y is equal to हम्म एक्स एक्स प्लस और बिल्कुल सही है ये पहली कंडीशन इक्वेशन बनेगी सेकंड कंडीशन क्या बनेगी अच्छा और पाइंट नहीं नहीं आ, मतलब दोनों को मिला के तो फिर टेन स्टूडेंट्स बन रहे हैं तो एक्स प्लस वाइ इगल टू टेन बहुत खराब बच्चा है तू मेरा दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली ड्रॉ कर लोगे एक चीज और चलो मैं इसका ना रफली बना लेता हूँ एक्स की वैल्यू वन फिल करेंगे वाई फाइव आ जाएगा जीरो फिल करेंगे फोर आ जाएगा माइनस वन फिल करेंगे थ्री आ जाएगा दूसरे में बच्चे यहाँ से x की वैल्यू टेन माइनस वाई हो जाएगी ना वही सेम एक्स वाई वाई की वैल्यू फाइव फिल कर लो तो फाइव आ जाएगा फोर फिल, फिल कर लो सिक्स आ जाएगा सिक्स फिल कर लो फोर आ जाएगा दोनों का मैं रफली ग्राफ बना देता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बहुत है ऊपर वन टू थ्री फोर फाइव एन एफ तक लेना पड़ेगा जीरो पहले वन पे फाइव टू जीरो पे फोर माइनस वन पे थ्री तीनों एक लाइन में आ रहे हैं अब दूसरे का फाइव पे फाइव फोर फोर पे फोर पे, पे सिक्स जहां पे ये कट बेटा वहां नीचे एक्स की वैल्यू देख लेना वाई की वैल्यू देख लेना तो इसके बॉयज और गर्ल्स आ जाए ये चीज समझानी थी जहां दोनों लाइंस कट करेंगी

सेकंड पार्ट मैं नहीं कर रहा ओके सर वही ग्रेप्स वाला एप्पल वाला बैट वाला बॉल वाला उस टाइप का ही है सेकंड साम उन्होंने खुद ही लिख दिया ऑन कंपेयरिंग ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू फाइंड आउट वेदर लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट कौन सा बात करूं तीनों में से एक करूंगा सेकंड hmm, सेकंड का सेकंड पार्ट वैसे तूने किया हुआ है जैसे हम यूनिक सॉल्यूशन यार कोई मर्जी कर ले मैं ये कह रहा हूँ तो तीनों पार्ट तेरे को आते हैं हम्म ये नहीं है तेरे को आते नहीं हमने सिक्स पॉइंट फोर एक्स फाइव एक्सरसाइज में किया था ना यूनिक सॉल्यूशन इन मेनी मैनी सॉल्यूशन वही चीज ही करनी आते हैं बस वहां पे यूनिक अब यूनिक नहीं लिखना

9. Uh, not, 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 not. पे ऐसे लिखेंगे सेंस टू इक्वल बट नॉट क्वेश्चन जैसे I'll दिया I'll... वैसे लिखेंगे ना अब हम नो सॉल्यूशन का वर्ड बीच में नहीं डालेंगे अगर उन्होंने नो सोल्यूशन पूछा होता है यहाँ पे तो वो लिखते हैं अभी उन्होंने ये पूछा इंटरसेक्टिंग है पैरेलल है कि कॉन्सिडेंट है पैरेलल है parallel, okay. वो हमें अपने दिमाग में रचे कि नो रखिएूशन बन रहा है इससे पैरेलल होगी ये वाला तो बताना था ना हाँ uh. इसमें वही है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट अगर यूनिक या इनफाइनाइट बनता है तो कंसिस्टेंट है अगर नो नो सलूशन है तो बस 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 वही इन बस बस इन दोनों क्वेश्चन तो और ने बस बताना है कि ये क्या है करके नहीं दिखाना हाँ, कुछ? ना बताना ये... ये ऐसे करके दिखाना है जैसे ये किया हाँ, हाँ। मतलब नहीं सोल्यूशन नहीं, नहीं, नहीं के कंसिस्टेंट ऑबटेन सॉल्यूशन ग्राफिकली पहले ये चीज करेंगे वैसे ही अगर कंसिस्टेंट बनता है तो उसको उसका ग्राफ ड्रॉ करना है अगर इनकंसिस्टेंट मतलब नो no सॉल्यूशन बनता है तो ग्राफ ड्रॉ नहीं करना ठीक है ओके सर मुझे तीनों नहीं आते मेरे बच्चे को सारे कुछ आते हैं पर तो तू तो काम नहीं करती बस प्रॉब्लम करी ये तेरे को करवाने का तर... फायदा नहीं, नहीं है तेरे ऐसे नहीं कह सकता अब ना अभी कल मैंने बोला था ना कि तेरे पास कल सारा दिन था था ना सर मैंने सारा दिन किया सारा दिन इतना टाइम तो लगना ही नहीं था जितना तूने लगाया इससे ऐसी आदत नहीं है सर ना बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए डेली का काम डेली मैं ये चीज मेरे को पूरी कर दे देख तू कहां से कहां पहुंच जाएगी पेंडिंग ना छोड़ एक सम भी पेंडिंग ना छोड़ बस चाहे रात को दो बजे तक बैठना पड़े समझ गए सर आज तो भेद सारा काम वही कह रहा हूँ कि ये हैबिट अपना ले तो अपने आप तेरे को रिजल्ट मिलेगा तो खुद देखेगी कि तू कहां, कहां गई अभी ना मैं शॉर्ट शॉर्ट्स डाल रहा हूँ चैनल पे तो वहां पे मैं स्टडी वो मतलब सॉन्ग्स हैं वो ढूंढता रहता हूँ तो उसमें ना सुन के अगर तू सुने तेरे को खुद को लगेगा यार हाँ मैं बहुत पीछे हूँ सुनाऊ तेरे को एक मिनट रुक कर

साथ में मीटर डालना मत भूलना मीटर ना बोलने वाले फर्स्ट कंडीशन हाफ द पेरीमीटर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है लेयर टू ब्रैकेट में एल प्लस वी उसका हाफ अपॉन टू हो जाएगा हाँ तो टू हटा इसके इक्वल एल प्लस वी पूरी लाइन थर्टी सिक्स तक रीड कर बेटा हाफ द पेरीमीटर

एक्स और वाई आ जाएंगे लेंथ ऑफ एर्थ आ जाएगी जो नेक्सा में सिक्स वन दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट okay. हमें ये इक्वेशन दी है मैं ऐसे तेरे को समझा रहा हूँ ऐसे तूने ऐसे नहीं करना okay. सिर्फ कि समझ आ जाए इसलिए मैंने ऐसे किया okay. एक इक्वेशन हमें दी हुई है तेरे को दिखाई सही दे रहा है um... तो नहीं 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 हुआ uh, ने, ने. मेरे पास क्यों हैंग हो गया एक मिनट एक इक्वेशन दी है कहते दूसरी इक्वेशन लिखो कि एक ये वाली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग लाइंस हो इंटरसेक्टिंग का मतलब यूनिक सॉल्यूशन। तो ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसके साथ वो कंडीशन uh, बन जाए ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन कुछ भी लिख दो थ्री एक्स प्लस अब इन दोनों का चेक करो कि यूनिक सोल्यूशन बनेगा ना माइंड में शो नहीं करना टू अपॉइंट थ्री थ्री अपॉइंट फाइव की इक्वल है नहीं है इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी अब एक इक्वेशन ये है दूसरी इक्वेशन लिखनी है कि दोनों के पैरल लाइन हो पैरल में कौन सा सोल्यूशन होता है नो uh, सोल्यूशन no no होता है पैरल में कौन सा सोल्यूशन होता है नो सोल्यूशन तो क्या इक्वेशन बनेगी कि पहले दो इक्वल आ जाए थर्ड वन इक्वल ना आए टू से मल्टीप्लाई कर दो

हो गया आ गया समझ हाँ जी सर लग गया पता हाँ जी सर ये हो गया हमारा सब और जो लास्ट वाला है मुझ मुझे आता नहीं है वो अपने आप करोगे सर तो हो जाए ग्राफ रो करना है और एक्सेस एक्सेस हाँ। के साथ देखना है उसके वर्ड्स फाइंड करनी है कोऑर्डिनेट्स चैप्टर हमारा फिनिश, फिनिश। दो चैप्टर फिफ्टीन में से हो गए अभी फोर्थ चैप्टर हम पहले करें कि बाद में करें पहले हम चलो फोर्थ ही करेंगे लाइन वाइज ही चलते हैं। करने तो सारे ही हैं वैसे हाँ। फोर्थ चा, आधा चैप्टर नहीं कर लिया है हाँ पता है कैसे कर लिया सेकंड चैप्टर किया था, था ना सेकंड हाँ। चैप्टर कर लिया ना उसमें हाँ। फाइंड करते थे ना वो पोलोमल में जीरोज होती हैं, वही सेम चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होते हैं सेम सेम मेथड उसमें क्या होते हैं रूट्स होते हैं सॉरी सम ऑफ रूट्स बोलते हैं इसके अंदर वही सेम चीज को सम ऑफ रूट्स बोलते हैं फॉर्मुला वही है माइनस बी एप नहीं प्रोडक्ट सीएपो नहीं यहां पे भी सीएपो नहीं वैसे इसका एक्स्ट्रा में यूज होगा फोर्थ चैप्टर के लिए तुम्हारी बुक में नहीं है ऐसा कुछ ठीक है मोटी चल okay, आ, अगर मैं बच्चे इवनिंग में आ गया जल्दी थ्री ओ तक आ गया तो मैं क्लास लगा लूंगा फोर ओ भी लगा लूंगा ओके सर सर फाइव थर्टी से पहले ना हाँ हाँ ठीक है चलो ओके okay, सर ठीक है और वाई. सर मैं आज आज रात सुबह को करके भेज दूंगी अपने थैंक यू सो मच हाँ थैंक यू सो मच बच्चे आप कर लेना ठीक है नहीं 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 सर बात हाँ है मेरा ही भला बच्चे नहीं। देखो मैं जो तेरे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना वो मुझे मिल नहीं रहा मैंने कल इवनिंग में क्लास क्यों नहीं लगाई इसीलिए नहीं लगाई नहीं तो लगा। मैं लगा सकता था मुझे ये था कि चलो कर लो तुम मुझे एक सिंपल सी बात बता दे तो खाना खाती है खाती है ना हर रोज कितनी चपाती खाती है टू हर रोज पूरे दिन में नहीं 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 कोई एक खा लेती हूँ पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक नहीं मतलब अच्छा पूरे दिन में हाँ तो एक दो तीन चार चार पांच खा लेती होगी छह खा लेती होगी इससे ज्यादा नहीं है ना मान लो छह चपाती तो हर रोज खाती है एवरेज किसी दिन सात खा ली किसी दिन पांच खा ली ऐसे किया कर तू एक दिन खाना मत खाना दूसरे दिन दस चपाती खा लेना एक चलो दो दिन ना खाना तीसरे दिन तू पंद्रह चपाती इकट्ठी खा लेना खा लेगी तो वही तो काम है जो हम एक दिन का काम है उसको क्यों पेंडिंग कर रही हैं, आज कल देख तीन दिन का काम हो गया परसों का काम हो गया कल का, का काम हो गया तूने दो एक्सरसाइजेस ना हमने चार कर ली वो दो एक्सरसाइजस अब दो एक्सरसाइजस और ऐड होगी चार होगी गई मनी नहीं करेगा तेरा करने को अरे इतना काम है इतना काम है अगर साथ ही साथ करते जाएंगे एक तो दिमाग में उसी टाइम घुस उस जाएगा समझे हाँ जी सर फिर हमें इतना हार्ड वर्क करने का फायदा क्या है फिर हम 15 से स्टार्ट कर लेते 15 मार्च से अगर नहीं करना तो बोलो मटो दूसरों को देखो कि दूसरे कितने कर रहे हैं ये ना देखो कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो उससे ज्यादा करेंगे तभी आगे निकलेंगे ठीक है ना नहीं तो फिर वही सारी उम्र तेरे को यही गम खाता रहेगा कि मैंने उससे मैं ज्यादा कर सकती थी उस लड़के से पर मैंने किया नहीं उससे आगे निकल सकती थी पर मैंने निकला नहीं और मेरे को एक ये चीज पता है तू एक बार उससे आगे निकल गई ना तो सारी उम्र उससे आगे रहेगी तो सारी सारी उम्र उससे सेकंड नंबर पे रह जाएगी बोलो ओके सर फर्स्ट नंबर वाले को हर कोई देखता है सेकंड वाले को कोई नहीं देखता क्या देखता है नहीं हम um, वही ना फिल्म मूवी की uh, उससे स्टोरी वाला आ, थ्री इडियट वाला चांद पहला कदम किसने रखा था सिर्फ उसको याद करते हैं लोग सेकेंड किसने रखा था उसको कोई नहीं याद करता समझे सर ये चीज है बेटा कर ले तेरे पास टाइम बहुत है अभी खुद तेरे को रिजल्ट मिलेगा तो खुद कहेगी कि हां मैंने बहुत अच्छा, सही से कर लिया नहीं तो बाद में पछताएगी बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होता फिर तो हाथ ही कांपेंगे तेरे पेपर में जाके मैंने कर लिया होता कर लिया होता कर लिया होता यही दिमाग में रहेगा ठीक है देखो मेरा टाइम, मैंने तो टारगेट बना लिया कि मैं फिफ्टीन मार्च से पहले पहले तेरे को बुक करवा दूंगा ठीक है अगर तेरा मूड नहीं है तो बता दे मुझे नहीं करनी तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है फिर मेरे को तो ऐसी लग रहा है कि जब काम ही नहीं कर रही तू कल पूरा का पूरा दिन था तेरे पास पूरा दिन था ना और मैं तेरे को बोला था का काम है तेरा चाहे तू वो फाइव आर इकट्ठे बैठ जाती चाहे तू एक घंटा बैठ के आधा घंटा खेल के फिर बैठ जाती हम्म अच्छे बच्चे हो तो अच्छे काम करो ओके okay. किसे हैं? एक तू मार्क्स लेके आएगी तभी तो कहेगी हाँ मैंने जिंदल सर से किया नहीं तो कहेगी ना मार्क्स ना आए तो पता नहीं सर ने क्या करवा दिया मार्क्स ही नहीं आए मेरे ऐसे होगा ना हाँ अब मैं तेरे को एक और बताऊँ लेकिन, बत लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी मुझे ये है कि मेरा स्टूडेंट टॉप में आना चाहिए समझ गई? उससे आगे कोई ना हो और तेरे में कैपेबिलिटी है इसीलिए मैं तेरे को करवा रहा हूँ तो मैं एक बच्चे पे टाइम ऐसे खराब नहीं करता होता तू कर सकती है दैट्स द रीजन कि मैं तेरे को करवा रहा हूँ हाँ नहीं करना वो तेरी इच्छा है लो सर ऐसी बात थोड़ी ना ऐसी है मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है तेरा सर त्याग दे खेलना कूदना सब कुछ छोड़ दे अभी अपनी लाइफ बना ले नहीं क्या मतलब ऐसे मतलब उस तरीके से मतलब जो मैंने पहले किया था पढ़ नहीं पुले नहीं को गया था तो मुझे वैसे नहीं बनना बस फिर आगे निकलना है ना सबसे बस फिर अभी डेली का नाम अभी आज कंप्लीट होना चाहिए तेरा इवनिंग से पहले पहले इवनिंग फोर मतलब ठीक है तीन फोर लगा ले साढ़े लगा ले मैं कोशिश करूंगा कि लग जाए अगर ना लग पाई तो फिर कल मॉर्निंग में ही होगा ठीक है ओके सर okay, आया समझ? और सर वैसे हाँ जी सर और सर वैसे मैं ग्राफ पे सारे करने मतलब एक एक ग्राफ पे आ... ग्राफ वाले चाहे दो तीन कर लेना बाकी तू कंप्लीट कर जो पिछला तेरा पिछला ना पेंडिंग छोड़ इतनी ग्राफ की कॉपी पड़ी है करो नहीं करो तो... नहीं ग्राफ एक आ... ही होता है ना कहीं सारे क्वेश्चन ग्राफ हाँ तो करो प्रैक्टिस होती है समझे चल ठीक है बच्चे ओके बाय ओके बाय सर मैं मैसेज डाल दूंगा अगर मैं पहले आ गए तो ऑफिस से ठीक है ओके सर सर ऑफिस का टाइम